हेलो स्टूडेंट इट्स मी मानिधी एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक एंड द चैप्टर नेम इज ट्राइबल्स दीकूज एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं ट्राइबल्स के बारे में दिकूज जिसको उस टाइम पे आउटसाइडर कंसिडर किया जाता था एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज कि ट्राइबल्स का एक जो विजन था गोल्डन एज के बारे में वो क्या था इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले एक पर्सन के बारे में बताया गया है कि 1895 में 1895 में एक पर्सन जो था जिसका नेम था बिरसा उसे छोटा नागपुर के विलेजेस में फॉरेस्ट में घूमता हुआ देखा गया था एंड द पीपल सेड ही हैड मेरेक्यूल पार कि उसके पास चमत्कारियाँ शक्ति हैं चमत्कारी शक्तियाँ हैं जैसे कि कि ही कुड क्योर ऑल डिजीजेज़ मल्टीप्लाई ग्रेन कि वो हर तरह के डिजीज को ठीक कर सकता है ग्रेन को मल्टीप्लाई कर सकता है बिरसा ऑल्सो हिम सेल्फ डिक्लेयर दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल फ्री फ्रीडम फ्राम द स्लेवरी ऑफ़ दीकूज कि बिरसा ने भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि गॉड ने उसे अपॉइंट किया है पीपल्स को ट्रबल से सेव से करने के लिए उन्हें स्लेवरी जो दीकूज की स्लेवरी है उनसे फ्री कराने के लिए बहुत जल्दी ही बहुत सारे लोग जो हैं वो बिरसा के फॉलोअर्स बन गए ठीक है और उसको कंसीडर करते थे कि बिरसा जो है वो भगवान है और वो उनकी प्रॉब्लम को ही सॉर्ट आउट करने के लिए आया है अब बिरसा के बारे में देखिए कि बिरसा जो है बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास कि बिरसा एक मुंडा फैमिली में बोर्न हुआ जो एक ट्राइबल ग्रुप था छोटा नागपुर में रहता था उस टाइम पे लेकिन उसके जो फॉलोवर्स थे वो सिर्फ मुंडा ट्राइबल ग्रुप से ही नहीं थे दूसरे ट्राइबल्स जो थे ट्राइबल ग्रुप्स उनसे भी उसके फॉलोवर्स थे जैसे संथाल्स से, है और से, ठीक है अब ये सब क्या है अब इन सब के बारे में एक चीज़ कॉमन थी कि वो डिफरेंट पेज से मतलब बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उन्हें अलग तरह के प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी जो आज से पहले उन्हें कभी नहीं फेस करनी पड़ी ब्रिटिश रूल में उन्हें जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थे तो वो क्या थे कि जो अब जो उनका लाइफ था वो डिसअपेयर हो रहा था लाइवलीहुड्स उनकी थ्रेट यानी कि उसको भी खतरा था रिलीजन जो था उनका उसे भी लग रहा था कि वो भी डेंजर में है तो इसलिए लोग बड़े अनहैप्पी थे तो अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स बिरसा सॉल्व करना चाहता था आउटसाइडर्स कौन थे जिन्हें दीकूज बोला जा रहा था कि और उन्होंने इस रीजन में कैसे लोगों को अपना ग़ुलाम बनाया अपना स्लेव बनाया और जो ट्राइबल थे वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश कि ब्रिटिश जो रूल था उस टाइम में ट्राइबल्स पीपल के साथ क्या हो रहा था उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे ये सब हम पढ़ेंगे अब देखिए स्टार्टिंग में बिरसा के बारे में बताया है जब हम इस चैप्टर का एंड करेंगे तो उसमें भी बिरसा की जो ये स्टोरी है हम आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है यहाँ पे आपको मेनली बताया जा रहा है कि जो एक मुंडास ग्रुप था संथाल था और आंसा दूसरे भी ट्राइबल ग्रुप्स आएंगे जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्राह्मणस एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में बताया जा रहा है और आपने लास्ट क्लास में भी लास्ट ईयर इसके बारे में स्टडी किया था कि ट्राइबल्स एंड ब्राह्मण जो सोसाइटी थी उनमें डिफरेंस थे कि सोशल डिफरेंसेस जो थे वो ट्राइबल सोसाइटीज़ में इतने ज़्यादा नहीं थे जितने ब्राह्मण सोसाइटी में थे का सोसाइटीज़ जैसे हैं कह सकते हैं कि सोशल डिवीज़न जो था वो मेन कैरेक्टरिस्टिक था उस टाइम पे का सोसाइटीज़ का जो ट्राइबल सोसाइटीज़ में नहीं देखने को मिलता है बट धीरे धीरे ये जो जो आप कह सकते हैं डिवीज़न जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस थे ये ट्राइबल सोसाइटीज़ में भी आने लग गए थे ठीक है अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ डिड ट्राइबल्स ट्राइबल ग्रुप्स ले कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो कैसे रहते थे ठीक है अब यहाँ पे सबसे पहली बात आ रही है कि संवर झूम कल्टीवेटर्स कुछ जो थे वो झूम कल्टीवेटर्स थे अब झूम कल्टिवेटर्स से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि झूम कल्टिवेशन क्या है तो झूम कल्टिवेशन है सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन कि जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे वो झूम कल्टीवेशन करते हैं जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है और ये जो कल्टीवेशन है ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे किया जाता था मोस्टली इन फॉरेस्ट अब इसमें क्या होता था कि इस कल्टीवेशन में कि जो कल्टिवेटर्स थे वो ट्री के टॉप्स को कट कर देते थे ताकि जो सन है वो ग्राउंड तक पहुंचे और उसके बाद जो वेजिटेशन होती थी लैंड पे उसको वो क्लियर मतलब वेजिटेशन को वो क्या करते थे क्लियर कर देते थे कैसे उन्हें जला देते थे ठीक है और जो उससे जो ऐश जो राख मिलती थी जलाने के बाद उसे वो क्या करते थे उसे वो स्प्रेड कर देते थे बिखरा देते थे जिससे कि उनका मानना था कि इसमें जो है इससे सॉइल फर्टाइल होगी और ऑब्वियसली इससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है और इसमें क्या होता था कंटेन विच कंटेन पोटैश कि उस एश में जो पोटैश होता था उसे वो स्प्रेड कर देते थे जिससे जो सॉइल थी वो फर्टाइल हो जाती थी और वो क्या यूज़ करते थे दे यूज़ द एक्स टू कट ट्रीज ट्रीज़ को कट करने के लिए वो एक्स का यूज़ करते थे सॉयल को स्क्रैच करने के लिए हो का यूज़ करते थे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टिवेशन कि उस सॉयल को उस लैंड को वो इसके थ्रू कल्टिवेशन uh, के लिए प्रिपेयर करते थे और वो सीड्स को ना ब्रॉडकास्ट द्रॉडकास्ट दीड इज स्कट द सीड ऑन द फील्ड इंस्टेडिंग द लैंड एंड सोइंग दीड्स कि वो लैंड का ना प्लफिंग नहीं करते थे ना ही जो सोइंग uh, uh, मतलब सी को सीड्स uh, को सो करते थे कि उन्हें uh, जो बूते नहीं थे वो क्या करते थे सीधा उन्हें स्कैट भी घेर देते थे ठीक है और जैसे ही क्रॉप रेडी हो जाती थी उसको वो काट देते थे और उसके बाद वो दूसरे प्लेस पर दूसरे फील्ड पर मूव कर जाते थे अ फील्ड हैल्टीवेटेड वंस वॉज लाक वॉज लेफ्ट फैलो फॉर सेफ्रल ईयर्स जैसे ही एक एक फील्ड पे वो कल्टीवेशन कर लेते थे उसे वो बहुत टाइम के लिए फेलो यानी कि खाली छोड़ देते थे और जिससे कि फेलो देखो यहाँ पे ये वर्ड डिफाइन भी किया गया है अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल्ड सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी कि जो फील्ड है जब उसे कल्टिवेशन हो गया तो अब उसे कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाएगा ताकि जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी फिर से रिकवर कर ले तो आपको यहाँ पे समझ में आया झूम कल्टीवेटर्स कौन था हु वर झूम कल्टीवेटर्स झूम कल्टीवेटर्स वो थे जो झूम कल्टीवेशन करते थे झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है ये कल्टीवेशन एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे की जाती थी और उसमें क्या कर दिया था कर दिया जाता था कि ट्री के टॉप्स को काट दिया जाता था कि सनलाइट आए और जब वो क्या करते थे कि उस प्लेस पे जब उनका कल्टीवेशन हो जाता था तो उस लैंड को वो छोड़ के दूसरी लैंड पे मूव कर जाते थे और उस लैंड को इसलिए छोड़ दिया जाता था कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो वापस से रिकवर हो जाए ठीक है तो झूम कल्टिवेटर्स जैसे शिफ्टिंग इसको शिफ्टिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाना ठीक है अब नेक्स्ट देखिए क्या था कि जो है यहाँ पे देखिए जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं वो मेनली कहाँ पे पाए जाते थे हिली एरियाज़ में ठीक है मेनली नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में और जो इन जो द लाइफ्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंडेंट ऑन फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट एंड ऑन बींग एबल टू यूज द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन कि जो झूम कल्टिवेटर्स थे वो अपनी कल्टिवेशन के लिए पूरी तरह से फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे ठीक है फॉरेस्ट लैंड पे वो डिपेंडेंट थे अब हम आगे बात करते हैं सम्वर हंटर एंड गैदर्स कि कुछ जो ट्राइबल पीपल थे वो हंटर एंड गैदरस भी थे उनके बारे में हम स्टडी करते हैं देखिए इन मेनी रीजन्स द ट्राइबल ग्रुप लिव बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस कि बहुत सारे रीजन्स में ट्राइबल ग्रुप जो थे वो कैसे रहते थे एनिमल्स की हंटिंग करते थे और फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट्स उन्हें मिलते थे उनको वो गैदर करते थे अब दे सॉ फॉरेस्ट एज असेंशियल फॉर सर्वाइवल वो फॉरेस्ट को अपने असेंशियल अपने सर्वाइवल के लिए असेंशियल मानते थे ज़रूरी मानते थे यहाँ पे एक ट्राइबल ग्रुप की बात की गई है खोन्स अब खोन्स क्या था द खंडस फॉर सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा कि फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा में खोन्स कम्युनिटी रहती थी वो क्या करते थे वो रेगुलरली हंटिंग पे जाते थे और फिर उसके बाद जो भी मीट उन्हें मिलता था वो आपस में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे वो फ्रूट्स एंड रूट्स जो भी फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे उसे खाते थे और फूड को वो कुक भी करते थे और जो कुकिंग के लिए वो जो ऑयल यूज़ करते थे वो उन्हें मिलता था साल एंड महुआ के सीड से दे यूज़ मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स वो बहुत सारे फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स का यूज़ करते थे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए और जो उनके प्रोडक्ट्स होते थे जो भी प्रोड्यूस वो करते थे फॉरेस्ट से उन्हें वो लोकल मार्केट्स में सेल भी कर देते थे ठीक है सोल्ड करते थे बेच देते थे जो लोकल वीवर्स और जो लेदर वर्कर्स थे वो क्या करते थे जब उन्हें कुसुम या प्लाश फ्लार की नीड होती थी तो इसमें वो खोड जो था ट्राइबल ग्रुप उनसे अप्रोच करते थे कि वो जैसे कि मान लो अब जो ट्राइबल ग्रुप है जैसे खोंड है वो क्या दे रहा है अपने सोल अपने जो प्रोडक्ट्स है अगर वो बेच रहा है ठीक है तो वो बदले में उनसे जो लोकल वीवर्स थे या लेदर वर्कर्स थे उनसे जो भी उन्हें मिलता था वो ले लेते थे या फिर जो लोकल वीवर्स थे वो अपनी नीड के लिए ट्राइबल ग्रुप से जो है कॉन्टेक्ट करते थे तो आपस में एक तरह से हम देखते हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप थे वो दूसरों के साथ भी एक तरह से मिलने जुलने लग गए थे ठीक है अब यहाँ देखिए फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन कि ये जो फॉरेस्ट पीपल थे इन्हें राइस या दूसरे ग्रेन्स की सप्लाई कैसी होती थी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उनका दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट हो गया था तो उस टाइम पे क्या करते थे वो एक्सचेंज uh, गुड्स के सामान को एक्सचेंज कर लेते थे कि जैसे गेटिंग वट दे नीडिड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस कि उन्हें जो चाहिए होता था वो क्या करते थे वो सामान उनसे ले लेते थे और बदले में उन्हें वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट्स थे वो दे देते दे थे ठीक है अब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि कि भी जो फॉरेस्ट जो पीपल थे अब उन्होंने धीरे धीरे की चीज़ों को खरीदना और बेचना स्टार्ट कर दिया है लेकिन और उनमें से जो कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने दूसरी तरह के वर्क करना भी स्टार्ट कर दिया था जैसे कि लोड्स को कैरी करना रोड्स बनाना ठीक है जो पेजेंट्स थे लेबर्ड इन द फील्ड्स ऑफ पेजेंट एंड फार्मर्स फार्मर्स एंड पेजेंट्स के वर्क पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया एज अ लेबर ठीक है ये सब चीज़ें थी वन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक ट्राइबल पीपल हैड टू इनक्रीजिंगली व अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबरर्स बट मेनी ऑफ देम लाइक द बैगा ऑफ सेंट्रल इंडिया देखिए अब ये जो थे जैसे कि इन्होंने दूसरे वक्त जो करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन अब इसमें एक बैगा जो एक जो ट्राइबल ग्रुप था बैगा जो ट्राइबल ग्रुप था उनका क्या मानना था कि वो द बैगा सो दम सेल्फ एज पीपल ऑफ़ द फॉरेस्ट वो अपने आप को पीपल ऑफ़ द फॉरेस्ट मानते थे और जो कि सिर्फ जो फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस होगा उस पर ही वो अपनी लाइफ सर्वाइव करेंगे ठीक है उससे ही वो अपना सर्वाइवल करेंगे इट वॉज़ बिलो द डिग्निटी ऑफ द बैगा टू बिकम अ लेबर कि बैगा के लिए ये उनकी डिग्निटी से बहुत कम था कि अगर वो अपना एज अ लेबर वर्क करेंगे तो ठीक है अब यहाँ जो है आप जैसे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक मैप जो दिया गया है और इस मैप में जितने भी आपको जो ये ट्राइबल ग्रुप्स जो दिख रहे हैं आपको क्या करना है इन ट्राइबल ग्रुप्स को अपने इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे लोकेट एंड लेबल करना है ठीक है ये आपको समझ में आया अब यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे थे कि ट्राइबल ग्रुप्स ने सेलिंग एंड परचेजिंग का वर्क थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था तो उनका जो कॉन्टेक्ट था वो ट्रेडर से होने लग गया था ठीक है अब जो ट्रेडर्स थे ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस कि जो ट्रेडर्स जो थे वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए आते थे और जो सामान जो था लेकिन उसको वो हाई प्राइस पे सोल्ड आउट करते थे ठीक है और मनी लेंडर्स जो थे उन्होंने उन्हें लोन देना स्टार्ट कर दिया जिससे जो ट्राइबल्स जो हैं अपनी कैश नीड्स यानी कि जो भी उन्हें पैसा चाहिए होता था उससे मतलब वो पूरी कर लेते थे तो एडिंग टू तो वर्ड दे अर्न बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वॉज यूजुअली वेरी हाई लेकिन जो मनी लेंडर्स जो उन्हें लोन देते दे थे और उसके बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करते थे वो काफ़ी हाई होता था तो इस तरह से जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने मनी लेंडर्स और जो ट्रेडर्स थे वो उन्होंने उनसे धीरे धीरे हेट करना स्टार्ट कर दिया और उनका मानना था कि जो मिज़री यानी कि जो उनकी एक ये जो कंडीशन हुई है जो अब धीरे धीरे जो पहले उनका एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड था अब धीरे धीरे जो एक टाइम पीरियड लोन का डेप्ट का जो बढ़ता जा रहा है वो इन्हीं मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स की वजह से है ठीक है तो यहाँ हमने देखा कि जो कुछ जो ट्राइबल पीपल्स थे वो झूम कल्टिवेटर्स थे कुछ जो ट्राइबल पीपल्स थे वो हंटर गैदरस थे अब हम देखते हैं सम हर्डेड एनिमल्स कुछ जो ट्राइबल ग्रुप थे वो क्या करते थे एनिमल्स को पालते थे जानवर को पालते थे अब देखिए कि वो क्या करते थे वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहते थे, थे, थे अकॉर्डिंग टू सीजन्स जब एक प्लेस पे ग्रास खत्म हो जाती थी एग्जॉस्ट हो जाती थी तो वो क्या करते थे दूसरे एरिया पे मूव कर जाते थे और इनके यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जैसे द वन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड द लबाड़ीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स गडीज ऑफ़ कुलू वर शैपियर्ड्स एंड द बकरवाल ऑफ़ कश्मीर कोट्स ये सब इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन कौन से जो ट्राइबल ग्रुप थे और वो किस तरह के एनिमल्स को पालते थे ठीक है तो समर हर्डेड एनिमल्स सम हर्डेड एनिमल्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि टुक टू सेटल कल्टिवेशन कि कुछ जो ट्राइबल ग्रुप थे उन्होंने अब एक प्लेस पे रह के कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर दिया था अब यहाँ देखिए इवन बिफोर द नाइनटीन सेंचुरी मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप हैड बिगिन सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड इन वन प्लेस इयर आफ्टर ईयर कि उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था कि एक प्लेस पे रहना स्टार्ट कर दिया था पहले हमने देखा कि झूम कल्टीवेशन करते थे वो एक दूसरे ट्राइबल ग्रुप थे पर धीरे धीरे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ने एक प्लेस पे रहना स्टार्ट कर दिया अब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं करते थे अब जैसे कि वो दे बिगिन टू यूज़ द प्लफ जैसे हमने देखा था कि प्लफिंग यूज़ नहीं करते ठीक है प्लफ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे उन्हें उस लैंड पे जो राइट्स भी मिलने लग गए अब जैसे इन मेनी केसेस लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज ए होल कि मुंडास की तरह ही जैसे छोटा नागपुर के जो मुंडास थे जो दूसरे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनमें भी ये था कि जो लैंड जो है वो पूरे क्लैन यानी कि पूरे समूह की मानी जाएगी जो भी मेंबर है उसके उस क्लैन के उस कुल कबीले के उनकी वो लैंड मानी जा, मानी जाएगी देर फॉर ऑल ऑफ दैम हैड ट्राइड ऑन द लैंड कि सबका इक्वल राइट होगा लैंड के ऊपर वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर मोर पार देन अदर्स बहुत जल्दी ही जो दूसरे जो पीपल्स थे उनकी जो प्लान के ऊपर जो पार थी वो धीरे धीरे बढ़ती रह गई कुछ लोगों की कुछ उनमें से चीफ बन गए जो दूसरे उनके फॉलोअर्स बन गए जो पावरफुल मैन थे ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट दैम कि जो पहले कल्टिवेशन करते थे अब जो वो पावर में आ गए तो उन्होंने अपनी लैंड रेंट पे देना स्टार्ट कर दिया ठीक है कल्टिवेशन के बजाय तो जो ब्रिटिश ऑफिशल्स थे उन्हें इस तरह के ट्राइबल ग्रुप्स काफ़ी पसंद थे जो भी जो एक प्लेस पे सेटल कल्टीवेशन करते हों रह, रह के एक प्लेस पे सेटल कल्टीवेशन करते थे और जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे उन्हें वो वाइल्ड समझते थे सबसे समझते थे और वो उन मानते थे कि इनको एक जगह पे सेटल करना काफ़ी ज़रूरी है सिविलाइज बनाना काफ़ी ज़रूरी है तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने अभी तक देखा कि बिरसा मुंडा कौन था हो वस बिरसा मुंडा और जो ट्राइबल ग्रुप्स थे डिफरेंट डिफरेंट वो कैसे रहते थे जैसे कुछ झूम कल्टिवेटर्स थे कुछ हंटर गैदरर्स थे सम हर्डिड एनिमल्स और कुछ जो सेटल कल्टिवेशन करते थे तो यहीं पर uh, इस चैप्टर को मैं अभी यहीं पे फिनिश कर रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं बाकी की जो टॉपिक्स हैं उसे हम आगे पढ़ेंगे ठीक है सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गुड लक